नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से जीएस विजन एकेडमी पर। तो आज हम वैकेंसी से संबंधित न्यूज़ की जानकारी देखते हैं, आज के न्यूज़पेपर में क्या है ये जानकारियाँ। तो चलिए देखते हैं, गेस्ट फैकल्टी भर्ती पात्र अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हो गई है और ये स्पष्ट देख लीजिए, ये पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में जो अतिथि व्याख्याता की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसकी पात्र सूची जारी हुई है। यहाँ पर देखिए, ये जो है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्याता गेस्ट फैकल्टी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। दावा पत्र के लिए निराकरण के बाद 26 विभागों के लिए पात्र अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। देखिए, 26 विभाग के लिए जो निकला था उसके लिए पात्र लिस्ट जारी कर दी गई है। अब विभिन्न पदों के लिए जल्द इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। तो इससे पहले भी एक वीडियो में बताया था आपको, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ये छत्तीसगढ़ में है और ये जो है इसके लिए जो है पात्र सूची जारी कर दी गई है। तो आप अपना तैयारी कर लें और चैनल में पहली बार जुड़े हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें ताकि जीके जीएस और मैथ्स का अध्ययन भी हमारे चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं, वहीं दूसरी ओर से केमिस्ट्री मूल विज्ञान केंद्र बायोटिक व इकोनॉमिक्स के लिए पात्र व पात्र उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। इस पर दावापत्ति 12 अगस्त तक, देखिए 12 अगस्त तक कार्यालयीन समय पर की जा सकती है। रविशंकर विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान, रसायन, भूगोल, समाजशास्त्र व आगे है समाज कार्य, इतिहास, कंप्यूटर साइंस, भाषा विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, फ्रेंच, सिंधी अर्थशास्त्र, भौतिकी, गणित, प्रबंधन, विधि, सांख्यिकी, भूविज्ञान, जैविकी अध्ययनशाला, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायो माइक्रोबायोलॉजी, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान, मूल विज्ञान केंद्र, भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, पर्यावरण विज्ञान, अध्यापक शिक्षक संस्थान, अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन, महिला अध्ययन केंद्र, फार्मेसी, कॉमर्स, फॉरेंसिक साइंस विभाग समेत अन्य अतिथि व्याख्याता, अतिथि शिक्षण सहायक की भर्ती होगी। इसके लिए 3000 से अधिक उम्मीदवार ने आवेदन किया था। देखिए, इसमें जितने अभी मैंने आप यहाँ पे हमने पढ़ा है जो सब्जेक्ट, उसमें से स्पष्ट है कि कितने इसमें जो है अतिथि शिक्षण सहायक की भर्ती होगी। इसके लिए 3000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। तो इसकी भी जानकारी आपको साथ में प्रोवाइड हो चुका है और आप पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वेबसाइट में जाकर के अपना लिस्ट देख सकते हैं या कार्यालयीन समय पर आप कार्यालय में भी चस्पा हुआ है उस वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नया जो भी वैकेंसी की जानकारी आएगी आपको समय रहते प्रोवाइड कराया जाएगा। जय हिंद।